मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे है। मैं संडे मॉर्निंग से अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इधर मैं दूध बिठा दिया था, ये हो गया है। बच्चों को दूध दूंगी और इधर एग बॉइल करने के लिए बिठाई हूँ। आज ब्रेकफास्ट में एग बॉइल और ब्रेड जैम बनेगा। इधर सारा काम हो गया है, बर्तन पूरा क्लीन हो गया है, सिंक सब क्लीन हो गया है और रूम झाड़ू पोछा भी हो गया। और बेटा बैठा है, हाय। और इधर कपड़ा भी पड़ा है, मैं फोल्ड करूंगी उसको। संडे का मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से होता है, सब बिखरा हुआ ही मिलेगा आपको। ये क्राफ्ट मेरी बेटी ने बनाई है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों भाई बहन लाकर इधर उसको लगा दिया। पहले इधर एक फैन था, अब नहीं है। ये बंक बेड की वजह से वो फैन को निकाल दिया हम लोग ने। फिर से मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हमारा कॉफी, बच्चों का दूध सब हो गया, बस अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं मशीन में कपड़ा डालूंगी। आज सारे बेड का बेडशीट चेंज होगा और बेडरूम का बेडशीट तो मैं कल चेंज कर दी थी, बस दो रूम का बेड का बेडशीट चेंज होगा। आज ये बेडशीट चेंज करूंगी मैं। ये 1 वीक हो गया मैं चेंज नहीं की थी, आज कर दूंगी बच्चों का बेड। ये बेड ज़्यादा ही बच्चे यूज करते हैं, इधर खेलते रहते हैं पूरा दिन भर। अब उसको वॉश करने के लिए मशीन में डाल दूंगी मैं बेडशीट को। हाय फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग का सारा काम फिनिश हो गया है। आज मैं बनाऊंगी फिश। अभी फिश लेकर आए थे, आज तो संडे है, अच्छा अच्छा रेसिपी बनेगा, थोड़ा लेट भी होगा। मार्केट से वो फिश लेकर आई है, मैं फिश को क्लीन कर लेती हूँ।
फिश क्लीन हो गया। अभी मैं जितना आज मैं बनाऊंगी उतना फिश मैं ले लूंगी, बाकी फिश मैं फ्रिज में स्टोर कर लूंगी और एक दिन फ्राई या कुछ मसाला से बना लूंगी। आज फिश को मैं सरसों पेस्ट देकर बनाऊंगी, वो बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो मुझे भी स्पेशल बहुत पसंद है। बस इतना हो जाएगा हम तीनों के लिए। अब मैं फिश में हल्दी थोड़ा नमक मिला के उसको मिक्स करके थोड़ा रख दूंगी मैरिनेट करके। उसके बाद इसको फ्राई करके हम लोग सरसों देकर मसाला बनाएंगे, सरसों झोल इसको हम बोलते हैं माछो बेसर फिश करी। और ये सरसों पेस्ट देकर बनेगा ये फिश। बनाने के लिए ये थोड़ा मैं लाल मिर्च ले लिया है और ये थोड़ा सरसों, हम सरसों वाला पेस्ट बनाएंगे। ये उड़िया रेसिपी है, बहुत टेस्टी है ये। 2-3 स्पून सरसों, थोड़ा सा जीरा, बस इतना, हाफ स्पून जीरा और थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। और अब इसका हम पानी डाल के एक पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे फास्ट हम इसमें, बस इतना। इसको चला लेंगे, अभी और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। ये हो गया सरसों का पेस्ट। अब मैं बनाऊंगी फिश करी, उससे पहले मैं राइस बिठा देती हूँ। राइस और मस्टर्ड ऑयल, ये रहा सारा सब्जी को मैं धोकर अच्छा से सुखा दी हूँ, सूख भी गया है। अभी इसको फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। ऑयल गर्म हो गया, अब एक एक पीस डाल दूंगी उसके अंदर। जल्दी भी बन भी जाता है फिश। थोड़ा सा मैं और एक बार फ्राई कर दूंगी इस तरफ, थोड़ा एक बार फ्राई करूंगी फिर हो जाएगा फिश फ्राई। ये तो बहुत ईजी, अभी फटाफट में इसको भी बना देती हूँ। थोड़ा एक छोटा सा प्याज मैं काट कर दूंगी, छोटा छोटा कट कर दूंगी, फिर इसके अंदर डाल दूंगी मैं। तड़का में 5 फोटन चाहिए बस, थोड़ा सा और थोड़ा सा करी पत्ता बस, इससे भी बहुत टेस्ट होता है। हो गया फिश फ्राई, हो गया अभी। अभी छोटा सा कटोरी में मैं निकाल के रख दूंगी बच्चों के लिए। 2 फिश फ्राई की हूँ, 2 बच्चे खाएंगे। अब हम बनाएंगे फिश करी। फिश करी, ये वाला फिश करी सरसों पेस्ट बनता है। इसके लिए छोटा सा एक छोटा वाला प्याज मैं छोटा छोटा चॉप कर दी हूँ, 5 फोड़न चाहिए होता है। और एक ये ड्राई मैंगो
करी पत्ता, दो टमाटर, ये सरसों का पेस्ट है, इसमें मैं सरसों, जीरा, थोड़ा सा गार्लिक और 5-6 लाल मिर्च देकर मैं पेस्ट बना ली थी। और फिश को मैं फ्राई करके रख दी हूँ, ये रोहू फिश है, आप जो कोई भी फिश में ये करी बना सकते हैं, पर फ्रेश वाटर का फिश थोड़ा अच्छा लगता है ये पतला झोल बनाने के लिए। अभी मैं इसमें ये 5 फोड़न डाल दूंगी। फिर अभी इसमें थोड़ा फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और लास्ट में अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें अभी सॉल्ट डाल दूंगी, नमक, तो टमाटर जल्दी गल जाएगा। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर, भर के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर गलने तक हम लोग इसको पकाएंगे, अच्छे से टमाटर को गला लेंगे। टमाटर गलना शुरू हो गया है, अभी गल भी टमाटर गल गया है बस। अब इसमें हम ये जो सरसों पेस्ट बनाए थे इसको डाल देंगे। सरसों पेस्ट को ज़्यादा देर पकाना नहीं, बस डाल के थोड़ा 1 मिनट बस इसको थोड़ा भून के पानी डालना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो वही कड़वा हो जाएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। बस हो गया, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी में 2 ग्लास दूंगी बड़े ग्लास से, और एक ग्लास पानी डाल दूंगी। अब इसमें ड्राई मैंगो में डाल दूंगी, ये 2 ड्राई मैंगो, इससे खट्टा सा आता है और ये क्या तीखा और खट्टा दोनों लगता है, ये फिश करी बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं इसको ढक दूंगी, थोड़ी देर के बाद मैं इसको इसके अंदर फिश डालूंगी, तब तक ये अच्छे से मसाला पानी के साथ बॉईल हो जाएगा। वो जो साग लेकर आए थे उसको थोड़ा अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, अब वो साग कटिंग कर रहे हैं। ये साग कटिंग करना बहुत टफ होता है, और ये जब रहता है तो मैं उनसे कटिंग करवा लेती हूँ, वो शौक से भी कटिंग करते हैं उसको। साग को क्लीन करना, कटिंग करना, ये बड़ी टफ की बात है। तो मेरा फिश करी हाँ उबल आ गया इसमें, अभी मैं इसमें इसके अंदर फिश डाल दूंगी। अच्छे से बॉईल आ गया इसमें, अभी इसमें डालेंगे हम फिश, ये पूरा फिश अब इसके अंदर डाल दूंगी। अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे, 10 मिनट इनफ है, 8 से 10 मिनट हम लोग पकाएंगे इसके। अब और थोड़ा सा हम लोग सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि पानी डाले है, वही बस थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। बस देखिए कलर बहुत अच्छा आया है, ये पकने के बाद और भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी देर इसको फिर ढक देंगे हम लोग। मुझे थोड़ा दुख लग रहा है, हर साल मैं 1 महीने के लिए मेरी मायके जाती थी, और उधर मेरी पापा मामा, मेरी भाई, छोटा भाई है उसका शादी हो गया है, वो भाभी भी है, उनका एक बेबी है, वो अभी 1.5 साल का हो गया। मैं उसका बर्थडे में गई थी, पर 1 दिन के 2 दिन के लिए बस गई थी, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया ना, अच्छा लगता है उसके साथ बात करना। हो गया हमारा फिश करी, फिश करी को अभी आप निकाल देंगे, अभी इसको ढक देंगे, ऐसे ही बना के रख देंगे अभी 10-15 मिनट, उसको स्टैंडिंग टाइम दे देंगे। थोड़ा इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल के हम इसको ढक देंगे। बस हो गया हमारा फिश करी रेडी। वाओ, ये सिर्फ व्हाइट राइस के साथ
बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बहुत उंगलियां चाटते रह जाऊंगे। ये देखो मेरा बेटा हो गया। हाँ बाबू, ये मेरा बेटा का फेवरेट डिश है। कितने मिनट हो गया बाबू? बस तुझे भूख लग गया बाबू? ठीक है, फिश करी ये जो बेसर है उसका बहुत फेवरेट है, दोनों का, बेटा बेटी दोनों का और मेरा भी। बस हो गया, सबको भूख लग गया, फिश करी बन रहा है इसलिए। बस अब ढक्कन लगा देंगे, गैस कर देंगे बंद। अभी जाएंगे नेक्स्ट हमारा रेसिपी पे। नेक्स्ट क्या है? अभी जाएंगे नेक्स्ट जो बनाएंगे वो है साग, जो पति ने काट के रख दिया, मुझे हेल्प करके दे दिया है। थैंक यू पति जी, थैंक यू वेरी मच पति जी। यू आर वेलकम। ओके पति जी, चलो ये अब बना देंगे हम। और इसके लिए अभी लहसुन चाहिए, थोड़ा सा सरसों चाहिए। सब रेडी करके मैं मिलती हूँ आपके साथ।
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा सब हो गया है। बस अब हम रूम में आ गए, थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद एक मूवी चलेगा। आज कौन सा मूवी देखेंगे बाबू? कौन सा मूवी देखेंगे? तुम्हें नहीं पता तो देखेंगे। मेरा दांत देखो। उसका टीथ देखो। तीन टीथ। तीन टीथ। तीन टीथ। ओके, 8-9 महीना ना एक साल हो गया था, अभी आ रहा है। ओके, सब रूम में रेस्ट कर रहे हैं। इनको थोड़ा अभी देर, बच्चे को थोड़ा देर अभी सुला लूंगी, 1 घंटा सो लेंगे, फिर उठेंगे। इवनिंग मस्ती होगा, मस्ती। हाँ, ओके, इवनिंग फिर मस्ती में चले जाएंगे। चलो थोड़ी देर सो जाओ। मैं भी आज का ब्लॉग यही रखती हूँ। मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं भी रेस्ट करूँगी। और अभी इधर बैठे हैं। बाय करो, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ। यस, स्टे होम, स्टे सेफ। कल से लॉकडाउन खुल जाएगा बाबू, फिर हम लोग बाहर तो नहीं जा पाएंगे। पर झूठ, सच बाबू, सच, झूठ नहीं, उसको तो विश्वास नहीं हो रहा है। चलो फ्रेंड, फिर बाय 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 बाय।